जो ऐप बनाई थी वो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। रिएक्ट राउटर डॉम तक हमने लास्ट कवर कर लिया था। इसमें 4 पेजेस की एक सिंपल सी रिएक्ट की ऐप हमने तैयार कर ली थी। अच्छा जी, मुझे कोड यहाँ चाहिए और रिजल्ट वहाँ चाहिए, सही है। अच्छा, ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं हम इस ऐप से कि क्या चल रहा है इस ऐप में। हमने रिएक्ट का जो है वो बॉयलर प्लेट बनाई थी क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए, और उस बॉयलर प्लेट में फिर हमने ये जो ऐप का कंपोनेंट है, अच्छा ये जो लास्ट टाइम हमने ऐप बनाई थी इसकी आपको ईच एंड एवरीथिंग आप सब लोगों को समझ आ रहा है? कोई ऐसा सवाल तो नहीं है लास्ट जो समझ ना आया हो आपको? ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस के ऊपर ये जो ऐप का कंपोनेंट लगा हुआ है ये मैंने कहाँ से इम्पोर्ट किया है, ये मैंने इस जगह से इम्पोर्ट किया है। ठीक है, तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल करके इस पर क्लिक करूँगा ऐप के ऊपर तो ये मुझे उस फाइल में लेके चला जाएगा जहाँ से मैंने इसको इम्पोर्ट किया हुआ है। अब इस फाइल में जो ये चीज़ें हो रही हैं, मिसाल के तौर पर ये लोगो इम्पोर्ट हुआ है, ये यूज़ नहीं हो रहा, इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसमें एक्सियोस वगैरह भी इम्पोर्टेड है लेकिन ये यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि वो फिर हमने दूसरी फाइल मूव कर दिया था। अच्छा, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमने 4 अलग अलग जगह से इम्पोर्ट किया हुआ है, सही है, सब लोगों को समझ आ रहा है ये? अच्छा, इसी तरह जैसे ये होम यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ है तो वो कहाँ पे फिर चला गया है? वो यहाँ पे एज अ एलिमेंट पास हो गया है। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है ये राउट्स के नाम का जो कंपोनेंट है ये कहाँ से आया? ये हमने रिएक्ट राउटर डॉम एक लाइब्रेरी है वहाँ से इम्पोर्ट किया है। अच्छा, इससे हमें ये भी बात समझ आती है कि कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है कि तमाम कंपोनेंट हम खुद बना रहे हो, कुछ कंपोनेंट लाइब्रेरी के तौर पे भी हमारे लिए अवेलेबल है। यार पीछे जो बैठे हो ना, गेट बंद कर दो पीछे वाला ना, बाहर से शोर आ रहा है, जो पीछे बैठे हो बिल्कुल कोई भी चले जाओ यार, छोड़ो। अच्छा, तो कंपोनेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपोनेंट हम खुद बनाएं, कुछ कंपोनेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें लाइब्रेरी के थ्रू अवेलेबल होते हैं। माइक का आवाज़ बहुत तेज़ हुई भी है ना, थोड़ी कम कर दूँ उसको, क्या मुझे लग रहा है, पता नहीं शायद। हेलो हेलो हेलो, अब कुछ बेहतर है। अच्छा जी, तो 4 कंपोनेंट हमारे खुद के हैं यहाँ पर जो कि हमने यहाँ पे एज अ एलिमेंट पास किए हुए, और कुछ राउट्स राउट अच्छा ये सब लोगों ने करके देखा है, राउटर वाला काम सब लोगों ने ट्राई करके देखा, हो गया सब लोगों से? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो ये कोड ही आपके पास है जिसको आप देख के कर रहे होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इनकी पहले वाली जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, तो हमारे पास ये ऐप का जो कंपोनेंट है ये ऑल टाइम विजिबल होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सीधा सीधा डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, इस ऐप के कंपोनेंट में ये जो डिव है हमारे पास, ये ऐप का कंपोनेंट जो पूरा है ना वो इस डिव के अंदर है, तो ये डिव ऑल टाइम अवेलेबल होगी। इस डिव में एक नैव बार बना हुआ है जो मैंने कोलैप्स किया हुआ है, उसको भी खोल देता हूँ, ये ऑल टाइम विजिबल होगा, सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो राउट है ये भी ऑल टाइम विजिबल होगा, लेकिन अब ये राउट का मैकेनिज्म अंदर ऐसा बना हुआ है ना कि ये राउट तो ऑल टाइम विजिबल होगा लेकिन ये अपने अंदर के ना सिर्फ एक आइटम को एक वक्त में दिखाएगा, बाकियों को हिडन कर देगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, हम ये खुद भी कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर लगा के, लेकिन हमने लाइब्रेरी से कर लिया ताकि हमारा टाइम बचे थोड़ा। तो ये जो राउट्स जितने भी डिफाइन है 1 2 3 4 5, इसमें से एक वक्त में एक को ये दिखा रहा होगा डिपेंडिंग ऑन कि URL में क्या लिखा हुआ है, और URL चेंज करने का बटन मेरे पास ये नेव बार के तौर पे, नेविगेशन बार के तौर पे ऑल टाइम अवेलेबल होगा ये बटन मेरे पास, जिसके ज़रिए मैं URL को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा URL को स्लैश कर दो तो इस पर होम वाला पेज विजिबल हो जाएगा, मैं कहूँगा URL को स्लैश गैलरी कर दो तो ये गैलरी वाला विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब हम ज़रा एक एक करके 4 कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमने क्या कुछ किया हुआ है। एक हमारे पास होम का कंपोनेंट है, होम के कंपोनेंट में हमने क्या काम किया हुआ है कि एक अदद CSS है। अच्छा, हमारे पास जो कंपोनेंट होता है, जैसे हमने जिक्र किया था कि एक बड़ी मशीन का छोटा वर्किंग पार्ट कंपोनेंट कहलाता है, तो इसी तरह ये हमारा जो छोटा पार्ट है ना ये अपने आप में एक पूरी ऐप है, सही है, अपने आप में ये एक मुकम्मल कंपोनेंट है। इसको मैं इस रिएक्ट की ऐप में से निकाल के किसी दूसरे में लगाऊंगा तो चल जाना चाहिए उसको एज इट इज़। यही वजह है कि इसकी CSS भी इसके साथ होगी, हर कंपोनेंट के साथ उसका CSS अटैच हुआ हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ये मैं सेम फाइल में भी रख सकता था लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए अलग फाइल बनाई हुई है, तो काइंड ऑफ ये फोल्डर जो है मेरा वो पूरा एक कंप्लीट कंपोनेंट है। ठीक है,
अच्छा इसके अंदर मैंने एक यूज स्टेट बनाया हुआ है। यूज स्टेट एक खास किस्म का वेरिएबल होता है जो रिएक्ट में इस्तेमाल करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं सब लोग। अच्छा उसके अलावा यूज़ इफेक्ट हमने पढ़ा है। यूज़ इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि कोई भी ऐसा काम जो कंपोनेंट लोड होते ही मुझे एक दफ़ा करवाना होता है, वो उसमें यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल मेरे लिए लाजमी होता है। अदरवाइज़ वो क्या होगा, जब जब कंपोनेंट रीरेंडर होगा वो बार बार चलेगा। ठीक है अच्छा तो मैंने क्या किया, यूज़ इफेक्ट के अंदर गेट ऑल प्रोडक्ट की API को कॉल किया, और जैसे ही मेरे पास API से डेटा आता है तो मैं उसको स्टेट वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ। स्टेट वेरिएबल में जैसे ही ये डेटा सेव हो जाता है तो नीचे जहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं इसको रेंडर किया हुआ होगा स्क्रीन पे, तो वहाँ पे ये मैप चल के मुझे नज़र भी आ जाता है। ठीक है अच्छा, जस्ट इन केस अगर मैं ये लगाना चाहूँ कि यार अगर जब तक कोई प्रोडक्ट ना आई हुई हो, मैं ज़रा प्रोडक्ट के पेज पर चला जाता हूँ। अच्छा मैं होम पे ही खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। हाँ सर्वर वैसे चल तो रहा है, सर्वर तो चला हुआ है भाई देखो, लेकिन सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं आ रही। 5001 प्रोडक्ट्स, 5001 पे ही चल रहा है सर्वर। अच्छा वेल ये हमने क्रैड ऑपरेशन पूरा कर लिया था, गेट भी कर लिया था, क्रिएट भी कर लिया था, ये हमने पूरा कर लिया था या कुछ बाकी था इसमें? सिर्फ फैच किया था और डिस्प्ले करवाया था, आज हमें करंट पूरा करना था। मैं ज़रा ये देख लूँ कि नेटवर्क में जाके कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको मिल क्या रहा है। सही है, प्रोडक्ट्स पे जब रिक्वेस्ट कर रहा है ये तो इसको क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है। इसका मतलब है डेटाबेस किसी ने उड़ा दिया, क्योंकि हमारा डेटाबेस पब्लिक है वो अभी फ़िलहाल के लिए, तो वो उसको डेटाबेस से जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो आ रहा है कि एम्प्टी आ रहा है। अच्छा तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्रिएट का भी कुछ ऑप्शन बनाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक अदद फॉर्म बना देना है। ठीक है और फॉर्म के अंदर मुझे एक अदद इनपुट बना देना है जिसकी टाइप मैं रखूँगा टेक्स्ट। ठीक है यही था हमारे पास। ज़रा एक दफ़ा मैं सर्वर देख लेता हूँ कि सर्वर पर क्या हमने किया हुआ है इसके लिए। सर्वर पे जो प्रोडक्ट्स को ऐड करने का जो है उसमें, अच्छा नेम प्राइस कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, चार चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। तो मैं यहाँ पे भी फॉर्म पे भी फिर चार चीज़ें बताऊँगा। ठीक है मैं पहले का नाम रखूँगा नेम, फॉर्म कहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, हाँ यार सही कह रहे हो, वहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ फॉर्म को। इसमें PWA वाले में ये फॉर्म मैंने बनाया हुआ है ना, राइट ये है वो फॉर्म, सही है। तो इसी फॉर्म को मैंने कॉपी कर लिया है। ओ ओ व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ, यस BR को क्लोजिंग टैग चाहिए होता है रिएक्ट में, नहीं लेकिन मसला कुछ और है इसको। एक मिनट क्या कह रहा है, फॉर्म हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, नहीं ये असल में एरर दे रहा है कि फॉर्म का ना क्लोजिंग टैग नहीं मिल रहा है इसको। अब वो क्लोजिंग टैग इसको इसलिए नहीं मिल रहा, हाँ वो इनपुट, असल में ना इनपुट को बैक स्लैश देंगे तो उसको पता चलेगा कि अच्छा इनपुट यहाँ क्लोज है, तो ये खुद ही सही हो गया। ठीक है ये बैक स्लैश इसको चाहिए होता है क्योंकि ये HTML नहीं है, ये JSX है, तो JSX क्योंकि कन्वर्ट होता है ना तो वो मैच नहीं कर पा रहा है कि किस में कन्वर्ट करूँ मैं। अच्छा तो ये मेरा फॉर्म तैयार हो गया। अच्छा ऑन सबमिट के ऊपर मैं ये रिटर्न फॉल्स अब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है और ऑन सबमिट भी मैं इसको कैसे दूंगा, फंक्शन पास करूँगा यहाँ पर, और फंक्शन पर कॉल सिग्नेचर मैं नहीं लगाऊँगा। ठीक है अच्छा तो ये काम हो गया मेरा, टाइप सबमिट हो गई बटन पे। अच्छा नेम है, टाइप टेक्स्ट है, आईडी नेम है। अच्छा इसमें ना मैं दो तरीके से ये काम कर सकता हूँ, इनपुट फील्ड से जो वैल्यू उठाने का काम है ना, एक तो जो पुराना तरीका था वो भी चलेगा हमारा, उस तरह से करना चाहूँगा जो जावास्क्रिप्ट था ना, क्योंकि रिएक्ट इज़ जस्ट जावास्क्रिप्ट,
कोई एडिशनल उसमें वो नहीं है, बट रिएक्ट हमें एक एडिशनल वे भी प्रोवाइड करता है इनपुट फील्ड से डेटा उठाने का। तो मेरे पास यहाँ पे चार फील्ड है ना, तो मैं चार फील्ड में चार अलग अलग तरीके से, नहीं तीन एक्चुअली टोटल, तीन तरीके हैं अलग अलग, तो मैं तीन तरीके से यहाँ से डेटा उठाऊंगा। तो सबसे पहला तो मेरा जो नेम का फील्ड है उसको तो मैं गेट एलिमेंट बाई आई डी करके उठाने लगाऊँ। अच्छा तो आ जाते हैं जी, एड प्रोडक्ट का फंक्शन बना लेते हैं, एड प्रोडक्ट सही है। एड प्रोडक्ट में बनाऊंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट वैल्यू, बाय आईडी कर दिया ना मैंने, क्वेरी सेलेक्टर भी लगा सकता हूँ। चलो नेक्स्ट वाले में मैं क्वेरी सेलेक्टर लगा लेता हूँ, प्राइस वाले में। सही है, ये क्वेरी सेलेक्टर हो गया। अब तीसरे वाले में मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ। सही है, एक स्टेट बना लेता हूँ मैं, और ये क्या है, कैट, अच्छा कैटेगरी। सही है, मैंने कहा कैटेगरी और सेट कैट। सही है, अच्छा मैं पूरा भी लिख सकता था लेकिन वहाँ पे कैट लिखा हुआ है तो चलो यहाँ पे भी कैट लिख देते हैं। अच्छा तो ये मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना लिया, ठीक है। स्टेट वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया, और मैंने कहा कि इस पे जाओ, यहाँ पे बोलो ऑन चेंज। सही है, और ऑन चेंज के अंदर अब की बार ना देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार एक फंक्शन बना के दे रहा हूँ ऐसे। देखो ऑन चेंज है, एक ने लास्ट टाइम एक दोस्त ने सवाल भी पूछा था कि अगर इसको ऑन चेंज के ऊपर मुझे फंक्शन कॉल करना है और पैरामीटर देके कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो ये उसका जवाब आपके पास आ गया। तो ये है ना पूरा फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पर। इसको गौर से देखो, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट में ये काम हम नहीं कर सकते जो यहाँ पर किया हमने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूँ, हाउ कैन आई डू इट, सही है, मैं कोड को क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये नेम हो गया हमारे पास, ये प्राइस हो गया, और ये कैटेगरी हो गया। अब कैटेगरी का जो इनपुट था मेरे पास उसको मैं मल्टीपल लाइन में कर देता हूँ ताकि मेरा कोड मजीद क्लीन हो। तो टाइप टेक्स्ट, आईडी कैटेगरी, और ऑन चेंज पे मैंने उसको बोला कि एक फंक्शन पूरा का पूरा आप ले लो। सही है, ऑन चेंज पे पूरा का पूरा फंक्शन, देखो करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, और ये इतना पार्ट जो है ये एक फंक्शन है। सही है, अच्छा अब जब ये फंक्शन में ये मैं बना रहा हूँ फंक्शन, यहाँ पे याद रखना ये मैं कॉल नहीं कर रहा ना, मैं नाम बता रहा हूँ। मैंने कहा इवेंट, अच्छा जब ऑन चेंज पे कोई भी फंक्शन जब चलता है तो उसमें इवेंट मिलता है। अच्छा बल्कि इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ कि मैं इसका फंक्शन बाहर बना के यहाँ पे नाम पास कर दूँ, वैसे करते हैं फिर उसको अलग से बनाते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट क्या था, कैटेगरी चेंज हैंडलर। सही है, यहाँ पे मैंने लगा दिया इवेंट, और मैंने कहा कि कैटेगरी चेंज हैंडलर, यहाँ पे जस्ट मैं नाम बता रहा हूँ। इस फंक्शन को जब रिएक्ट कॉल करेगा इसके चेंज होने पे तो इसमें इवेंट डाल के कॉल करेगा। सही है, अच्छा इवेंचुअली मैं इसको उठा के वहाँ पे रख दूँगा, मतलब अलग से नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शन में अलग से बनाने लगूँ ना तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं इवेंचुअली उधर ही ले जाके रख दूँगा, लेकिन अभी मैंने बाहर निकाला है ताकि वो जो पहले हम सीख चुके हैं उससे वो मैच कर दे, पैटर्न मैच कर दे हमारा। तो मैंने कहा ऑन चेंज पर ये फंक्शन चलेगा, इसके जस्ट नाम बता दिया, जब ये फंक्शन रिएक्ट कॉल करेगा हम नहीं करेंगे, रिएक्ट करेगा तो वो इवेंट इसमें डाल के कॉल करेगा। सही है, और इवेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। अच्छा इस इवेंट के ऊपर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, अच्छा इवेंट क्या चीज़ होती है ये आपको थोड़ा सा आइडिया तो है पहले से ही, कि जिस चीज़ पर वो क्लिक हो रहा है ना, यानी जिस चीज़ पर
देखो कंप्यूटर के अंदर ना हर चीज़ एक इवेंट होता है, कहीं पे आप क्लिक करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, कुछ प्रेस करते हैं, माउस को हिलाते हैं, तो इवेंट ड्रिवन एक पूरी प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। ठीक है, अच्छा अगर आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पैराडिगम को अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो जो बैज एट वाली क्लास है ना वेब डेवलपमेंट की, उसमें मैंने एक जावा स्क्रिप्ट पढ़ाते हुए उसको कवर किया था, क्योंकि हमने इस क्लास में जावा स्क्रिप्ट थोड़ी ब्रीफली कवर की है ना, तो हम उसमें वो चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए। तो वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट उस पर चलता है। अच्छा आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पे चलता है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ आप ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो एवरीथिंग वर्क्स विद इवेंट। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस इनपुट फील्ड में जब भी मैं कुछ बटन प्रेस करता हूँ या इस इनपुट फील्ड में जब भी कोई चेंज आता है तो मुझे वो एक इवेंट की सूरत में जावास्क्रिप्ट में मिल जाता है, अगर मैं ऑन चेंज करके लगाऊँ तो। अच्छा इस इवेंट में मुझे क्या क्या मिलता है, वो पूरा का पूरा HTML एलिमेंट, उसमें पहले क्या टेक्स्ट था चेंज होने से पहले, चेंज होने के बाद क्या था, अभी उसकी करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू मैं ऐसे उठाता हूँ जैसे मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, उस पर क्या किया CSS लगी हुई है, और ईच एंड एवरी थिंग दैट यू कैन इमेजिन वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में और उस होने वाले इवेंट के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ऑन चेंज पे ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अभी उसमें जो वैल्यू है ना वो ले आओ उठा के। अच्छा, और मैंने क्या किया, इस टारगेट के वैल्यू को मैंने कहा सेट कैटेगरी, और सेट कैटेगरी के अंदर ना मैंने कहा कि ये वैल्यू आप क्या कर दो, रख दो। तो अब कैट में शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग रखवाया था मैंने, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग रखवाया था मैंने। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो अब जैसे ही बंदे ने एक बटन पे प्रेस किया, यानी कैटेगरी के फील्ड पे रहते हुए, तो ये फंक्शन एक बार चलेगा एक बटन प्रेस करने पे, और जो भी वैल्यू होगी चेंज होने के बाद की वो जाके स्टेट वेरिएबल में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह वो जब टाइप करता जाएगा ना तो वो रियल टाइम में स्टेट वेरिएबल में जाती जाएगी। अच्छा, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब वो लिख के और वो नेक्स्ट फील्ड पे चला जाएगा या लिख के वो सबमिट का बटन दबाएगा, तो मैं अगर कैटेगरी का स्टेट वेरिएबल उठाऊँ ना तो उसमें मुझे करंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक वैल्यू को उठाने का एक तरीका है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि ये फंक्शन अलग से बनाऊँ, मैं इस फंक्शन को ऐसा कट करूँगा और जहाँ पर मैंने इसका नाम दिया हुआ है ना वहाँ पर ये एक्चुअल पूरा फंक्शन ले जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, जस्ट टू मेक माई कोड शॉर्टर। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँ तो ये कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन का कोड है तो कर्ली ब्रेसेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कर्ली ब्रेसेस भी मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। सही है, ये मैंने देखो पूरा फंक्शन ना एक लाइन में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा कोड क्लीन होगा। अगर इस फंक्शन को मैं नाम देना शुरू कर दूँ, ऊपर लिस्ट बनाना शुरू कर दूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी कहानी। तो मेरे पास चार इनपुट फील्ड है तो चारों में मैं ऑन चेंज पे ऐसे करके लगा सकता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, इसका हाँ भी है जवाब और नहीं भी है जवाब। अच्छा, हम जैसा कि हमने स्टेट वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि स्टेट वेरिएबल में हम वो डेटा रखवाते हैं जिसको हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है। ठीक है, और वो डेटा रखवाते हैं जो हमें कंपोनेंट के री रेंडर होने पर भी चाहिए। अच्छा, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर नॉर्मल वेरिएबल भी सेम है। नॉर्मल वेरिएबल हमने देखा काम कर रहा था, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा था। ठीक है, तो अच्छा मगर एक फ़र्क ये है कि अगर आप उस कंपोनेंट के री रेंडर पर उस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते तो कंपोनेंट से बाहर भी बना सकते हैं। तो बेहतर तो यही है रिएक्ट के अंदर कि तमाम वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल बनाया जाए, लेकिन क्या ये तरीका ज़रूरी है उसको उठाने के लिए, इसका जवाब है नहीं। गेट एलिमेंट बाई आईडी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी केस में आपको मिसाल के तौर पे कैटेगरी में जो भी बात लिखी जा रही है वो अपने हाथ के हाथ डिस्प्ले भी करवानी है, अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं कैट लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वो डिस्प्ले भी होना शुरू हो जाएगी रियल टाइम में जो भी मैं लिखूँगा। ओके, देखो अब कैटेगरी पे जाके मैंने ए बी सी जो भी लिख रहा हूँ ना, देखो स्क्रीन पे भी रियल टाइम में वो दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तब तो मुझे इस तरह से ही करना होगा, नॉर्मल वेरिएबल विल नॉट वर्क या गेट एलिमेंट बाई आई डी विल नॉट वर्क। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो गेट एलिमेंट बाई आई डी इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, गेट एलिमेंट बाई आई डी ना थोड़ा सा हैवी है, तो गेट एलिमेंट बाई आई डी की भी रिप्लेसमेंट में ना रिएक्ट ने हमें एक तरीका दिया, दैट इज़ कॉल्ड यूज रेफ। ठीक है, ये यूज़ रेफ है। अच्छा, यूज़ रेफ हम कैसे करते हैं, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं
यूज़ रेफ इज़ जस्ट अनदर हुक, इसको मुझे सबसे पहले तो इम्पोर्ट करना है, ठीक है, इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद इसको मैंने इनिशियलाइज करना है लाइक दिस, सही है, लाइक दिस। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी को करने के लिए इन्होंने बताया है। अच्छा, इनिशियल वैल्यूज़ में रखवाई इसने ज़ीरो ना, तो मेरे पास जो अभी नेक्स्ट वाला है उसका क्या नाम है, अच्छा यहाँ पे मैं उठाऊँगा कैसे वो तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने कहा कि कैटेगरी जो है ना मुझे कैसे मिल रही होगी, मुझे बस ऐसे कैट करके डायरेक्ट मिल रही होगी, क्योंकि जो भी मेरा ये वेरिएबल है ना ये तो मुझे डायरेक्ट मिलता है, तो बस मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कैट लिखूँगा, ये लास्ट वाले की बात हो गई। अच्छा, तो अभी मेरा अगले वाले का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और इसको मैंने रेफ में एम्प्टी स्ट्रिंग रखवा दिया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यार ये क्या किया हुआ इसने, इस यूज रेफ को ना हम एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर देते हैं, सेट इनपुट वैल्यू, वैल्यू अबे सिर्फ बना के छोड़ दिया है भाई, क्या किया है, नो इसने वो इनपुट उठाने वाला नहीं बताया, इसने कुछ और ही बता दिया, हाँ लाइक दिस, ऐसे ना हम इसको इनपुट के साथ एसोसिएट कर देते हैं, देखो ये मच क्लीनर वे है, उसमें करना ना ऑन चेंज और ऐसे, इसमें हम रेफ करके ऐसे एसोसिएट कर देते हैं, तो मैं ऐसे रेफ करके इसको एसोसिएट करूँगा, सही है। अच्छा, तो मेरे जो रेफ का नाम है वो डिस्क्रिप्शन है, राइट, तो मैं जब यहाँ पे आके इसको एसोसिएट करूँगा ना रेफ के साथ ऐसे, तो मैं इनपुट एलिमेंट नहीं लिखूँगा, मैं जो भी मेरा नाम है रेफ का, डिस्क्रिप्शन ये रखूँगा, तो मैं इसका रेफरेंस एक्चुअली मैंने सेट कर लिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका रेफरेंस है। अब ये इंटरनली इसको ना चीज़ों को देख रहा होता है, अब जहाँ पे भी ना मैं डिस्क्रिप्शन एक वेरिएबल है एक्चुअली, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना दिस इज़ अ वेरिएबल, इस वेरिएबल में मुझे हर वक्त वो एलिमेंट मिल रहा होगा जिसके साथ एसोसिएट किया हुआ। गेट एलिमेंट बाय आईडी में तो ये होता है ना कि गेट करूंगा तो मुझे करंट स्टेट मिलेगी, इसमें हर वक्त मुझे करंट स्टेट मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, मैं बोलूँगा कि भाई डिस्क्रिप्शन डॉट करंट स्टेट डॉट वैल्यू, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन डॉट करंट करने से ना मुझे करंट स्टेट मिल जाती है, मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना पड़ता, ये जस्ट एक रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन, लिसनर इसमें इंटरनली चल रहा होता है, कुछ कहानी चल रही है इंटरनली, अच्छा कर रहा है बाय द वे, ये पीछे बैकग्राउंड में गेट एलिमेंट बाय आईडी ही है, सही है, जाहिर है वो तो जावास्क्रिप्ट में और कोई तरीका नहीं है ना उसके अलावा, जावास्क्रिप्ट में या तो क्वेरी सेलेक्टर या तो गेट एलिमेंट बाय, तो ये हमें क्लीनर कोड प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स इट, और थोड़ा सा एफिशिएंट कर रहा है। अभी अगर एक देखो असल में कोड में एफिशिएंसी का चक्कर ये होता है ना कि सम टाइम डेवलपर कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसकी वजह से कोड बिला वजह हैवी हो जाता है, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉर लूप के अंदर लगा दिया, तो अब क्या होगा, वो फॉर लूप हज़ार दफ़ा घूमेगा तो हज़ार दफ़ा चलेगा, तो उस तरह की इन एफिशिएंसीज़ को ना ये इन्होंने टैकल किया हुआ होता है कि भाई हम खुद कर रहे हैं कॉल लाइब्रेरी के लेवल पे, तो हमने ऐसे कॉल किया ना कि वो मिनिमम और ऑप्टिमम तरीके से वो गेट हो जाए, समझ रहे हो, तो इस ये दो चीज़ें, एक तो क्लीनर कोड आपको मिलता है, दूसरा वो ऑप्टिमम उन्होंने पीछे कुछ कहानी की हुई है। तो ये मैंने तीन तरीके से वैल्यू अलग अलग उठाकर देख ली यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा, कॉन्सोल करवा देता हूँ ताकि मेक श्योर करूँ मैं कि तमाम वैल्यू मुझे मिल गई है, नेम कॉमा प्राइस कॉमा कैटेगरी कॉमा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये चार चीज़ें अब मुझे, मैं लिख कर जब सबमिट करूँगा तो मुझे ये चार चीज़ें कॉन्सोल पे नज़र आ जानी चाहिए। ये क्या कह रहा है, invalid event handler property on submit, अच्छा ये on submit जो मैंने लगाया ना फॉर्म के ऊपर, ठीक है, react के अंदर जैसे कि आपको पता है एट्रीब्यूट के नाम चेंज है थोड़े, तो on submit का s कैपिटल होगा, सही है, ये react के अंदर है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप react की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके ना क्या देख सकते हैं, बिल्ट इन कंपोनेंट्स, ये फॉर्म जो है ये कंपोनेंट है ना ऑब्वियसली, HTML तो नहीं है ये,
ये JSX है और ये कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट हमने नहीं बनाया, ना किसी लाइब्रेरी से उठाया हमने, ये रिएक्ट के साथ आता है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्ट के बिल्ट इन कंपोनेंट्स। तो रिएक्ट के बिल्ट इन कंपोनेंट्स में ना आपको ये सारे एट्रीब्यूट वगैरह सब कुछ नज़र आ जाएंगे। ठीक है, वो एरर ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको हम देख भी लेते हैं, रिएक्ट बिल्ट इन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आ गया रिएक्ट के वेब कंपोनेंट का सारा डेटा। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे एक लिस्ट नहीं बताई हुई, वेब कंपोनेंट्स। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे लिस्ट नहीं बताई हुई, वेल होगी कहीं ना कहीं किसी ने मेंटेन की भी होगी लिस्ट ना। JSX इन डेप्थ, वेल ये रूल ऑफ थंब ऐसा याद रखो कि रिएक्ट के अंदर ना जब भी एट्रीब्यूट की बात आएगी ना, ये वाली एट्रीब्यूट की बात आएगी, तो उसको कैमल केस में लिखना है हमने। ठीक है, और एक कुछ एट्रीब्यूट है जिनका नाम एंटायरली चेंज कर दिया, जैसे क्लास को उन्होंने क्लास नेम कर दिया। ठीक है, क्योंकि क्लास जो है वो एक रिजर्व वर्ड है नई वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, तो इसलिए उसको क्लास नेम कर दिया उन्होंने, मे बी इस वजह से। अच्छा, तो इसी तरह जैसे ऑन सबमिट है तो इसको कैमल केस में कर दिया कि भाई शुरू होगा स्मॉल से और अगला वर्ड का पहला जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो ऑन चेन जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर जो HTML के अंदर जो है वो सी कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, बट इसमें इसको कैमल केस में कर दिया। तो जहाँ पे भी दो वर्ड का एट्रीब्यूट आएगा ना, वो कैमल केस में इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये रूल ऑफ थंब से चलोगे तो इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, मैंने नाम लिखा, मैंने कहा नेम 123 और प्राइस 1200, कैटेगरी कैट 1 और डिस्क्रिप्शन ABC। ठीक है, और ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाया तो मुझे ये चारों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, नेम 123, 1200, कैट 1 और डिस्क्रिप्शन ABC। सही है, ये चारों चीज़ें मुझे मिल गई। अच्छा, अब इन चारों को मैंने क्या करना है, इन चारों को मैंने भेजना है इनके असली घर जो है मेरा सर्वर। तो वो मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया वो सर्वर, अच्छा app.js अलग से लगाया हुआ मैंने। तो बस यहाँ से वही एक्सियोस है जो सारा का सारा आपको पता है पहले से, जो हम ये कर चुके हैं पहले ही। तो ये एक्सियोस का मैंने कोड पूरा कॉपी किया और एग्जैक्टली यही कोड है, लाइब्रेरी तो सेम ही है, चाहे यहाँ पे लगाएं चाहे रिएक्ट में लगाएं। तो मैंने अब इस पॉइंट पे आके ये एग्जियोस मैंने कॉल कर देना है। अच्छा, बेस URL की मैंने सेटिंग अभी तक इसमें नहीं की है, राइट। ठीक है, तो बेस URL की जगह फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट कॉलन 5001 http://. ठीक हो गया। चाहूँ तो मैं यहाँ पर टॉप पे एक वेरिएबल बना सकता हूँ ऐसे इंपोर्ट के बाद ना, ऐसे कॉन्स्ट करके मैं बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी ये ना इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा, बाय द वे अल्टीमेटली हम ये करते हैं, ये जो बेस URL वाला तरीका है ना, इसको अल्टीमेटली हम ये करते हैं कि या तो हम इसको रूट पे बनाते हैं किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे सब जगह पे अवेलेबल हो जाए, प्रॉप्स के जरिए ड्रिल हो जाए या कैसे भी हो जाए, क्योंकि प्रॉप हमें पता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट फिर तीसरे में हम प्रॉप भेज सकते हैं। अच्छा, उससे भी बेहतर तरीका ये है कि जो हम डेटा स्टोर बनाते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली हम कवर शायद ना कर पाएँ डेटा स्टोर वाली चीज़। तो रिएक्ट के अंदर ना एक हम पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, जैसा कि रिडक्स या इन्होंने अभी अपना भी इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्टेक्स्ट API। तो कॉन्टेक्स्ट एक जगह बन जाती है, वो कुछ भी नहीं होता असल में, एक अलग कंपोनेंट होता है जिसमें ये स्टेट वेरिएबल जो है ना उसके एक्सपोज होते हैं, तमाम ऐप में हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं वो। तो वहाँ पे मैं इसको रखवा देता हूँ और फिर हर फाइल में उसको इम्पोर्ट करके इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ये डेटा स्टोर होता है, ऐसा डेटा जो मुझे तमाम की तमाम ऐप में चाहिए वो मैं कहाँ रखवाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट API या रिडक्स का जो डेटा स्टोर होता है। डेटा स्टोर बनाने के और भी तरीके हैं, मोबेक्स करके एक चलता था बड़ा, वो अब ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो हम मे भी शायद कवर कर पाएँ, लेकिन टाइम असल में थोड़ा सा कम है हमारे पास। मैं चाह रहा हूँ मैं जल्दी से हम चैटबॉट की तरफ मूव करें ताकि हमारी जो अटेंडेंस, गिरती हुई अटेंडेंस है, उसको बहाल किया जा सके। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट API मैं यार चाहता तो मैं कवर करूँ, लेकिन स्टिल टाइम हमारे पास कम है। मैं वो भी बता देता हूँ, जो बैज 8 की जो क्लास चल रही है ना, उसमें मैंने ये डिटेल में कवर किया है कॉन्टेक्स्ट API। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी नहीं है
चैट बॉट के परस्पेक्टिव में ना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई बताओ। ठीक हो गया जी, तो ये मैंने चारों चीज़ों को यहाँ पे रखा, और नेम, प्राइस, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, और इसको मैंने भेज दिया। यहाँ से मुझे जो रिस्पांस मिला, पहले मैं क्या करता था, क्वेरी सेलेक्टर करके रिजल्ट में इस मैसेज को डिस्प्ले करवाता था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लूँगा रिजल्ट के नाम से, मे बी सही है, यहाँ पे मैं एक रिजल्ट के नाम से स्टेट वेरिएबल बना लूँगा, सही है जी। अच्छा, मैं यूज़ रेफ को ना डिस्प्ले करवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो अभी हम देख रहे थे ना, ये डॉक्यूमेंट, इन्होंने ये दिखाया हुआ था, इन्होंने पहले शुरू में यही दिखाया था कि एक वेरिएबल बना लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू ये रखवा दी, और वो डॉट करंट करके उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, तो रेफरेंस जो है ना उसको हम ऐसे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक रेफरेंस ही बना लेते हैं। चलो, इसको रिजल्ट मैंने बनाया रेफरेंस, और रिजल्ट को मैंने इस वक्त एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, और मैं क्या करता हूँ फिर रिजल्ट को रिजल्ट डॉट करंट करके उसको मैं डिस्प्ले करवाऊँगा, तो मुझे ये डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ मैं, फॉर्म के फौरन बाद। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवा दूँगा, काउंट नहीं, रिजल्ट डॉट करंट एक्चुअली। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, तो अब मुझे इसको कहाँ रखवाना होगा, मुझे अब इसको रखवाना होगा मेरे रेफरेंस में। तो इन्होंने कैसे किया हुआ, इन्होंने जस्ट इक्वल्स टू करके एक सिंपल एक प्लेन वेरिएबल की तरह इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार रिजल्ट डॉट करंट, ऐसे ही किया इन्होंने, रिजल्ट डॉट करंट इक्वल्स टू, और उसके बाद जो है ना ये क्या किया मैंने, ये सही है, तो एरर और सक्सेस दोनों के केस में मैंने रिजल्ट डॉट करंट में इस बात को सेव करवा लिया। अच्छा, अब आते हैं ज़रा और इसको रिफ्रेश करते हैं। गेट ऑल प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ कॉल हुआ मैं, यस ये दोबारा से कॉल किया हुआ हमने। ठीक है, लेकिन अभी हमने नाम इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना। अच्छा, ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये यूज़ इफेक्ट के अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो वो उस ब्रैकेट से बाहर मिल नहीं रहा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं इस ब्रैकेट से बाहर करूँगा तो ये मिलना शुरू हो जाएगा। सही है, इस ब्रैकेट से मैंने बाहर कर दिया, जहाँ पे तमाम फंक्शन बने हुए हैं उस जगह पे मैंने कर दिया, तो अब मुझे ये मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे भी। सही है ना, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, सही है, सेट हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई ए बी सी 1200 और ऐड प्रोडक्ट, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गई है। दो प्रोडक्ट मैंने बना दी। अच्छा, अब साथ साथ मुझे क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट को एडिट और डिलीट करने का मुझे ऑप्शन चाहिए। तो सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं, जो सबसे आसान है। डिलीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर है यहाँ पे एक अदद मुझे, जहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक अदद बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो बटन भला मैं कैसे बनाऊँगा, ए बी सी के फ़ौरन बाद बना देता हूँ, यानी जो मेरा एच वन है ना उसी के अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ डिलीट। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इस डिलीट को मैं प्रेस करूँ और वो डिलीट हो जाए। अच्छा, अब ये डिलीट का जो बटन है, को थोड़ा सा कोड को क्लीन करते हैं, ये जो डिलीट का बटन है इसके मुझे ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करना है डिलीट का, और फंक्शन आईडी के साथ कॉल करना है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं वही अप्रोच करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा ऐसे करके, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन कॉल करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं नाम लिख के कॉल सिग्नेचर लगा नहीं सकता, तो मैं फंक्शन बना के उसके अंदर फंक्शन का नाम दूँगा। मैं कहूँगा डिलीट प्रोडक्ट, और डिलीट प्रोडक्ट के दरमियान में मैं अब यहाँ पे से क्या दे दूँगा, ये ईच प्रोडक्ट का पूरा ये पास करवा दूँगा। ये जब डिलीट प्रोडक्ट चलेगा ना, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट मुझे अंदर मिल रहा होगा, उसके प्रोडक्ट में मुझे अंडर स्कोर आई डी मिलती है ना,
देख लेते हैं। हाँ अंडरस्कोर आईडी मिलती है तो इसी से डिलीट होता है एक्चुअली, ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट इस वक्त बना हुआ नहीं है इसलिए वो एरर दे रहा है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, मैं सिंगल लाइन में इसको बनाऊँगा एक्चुअली, मुझे इसको तीन तीन लाइन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं सिंगल लाइन में बनाऊँगा, सही है, जस्ट लाइक दिस कि भाई बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर ये दूसरा फंक्शन एक कॉल हुआ है। और अब इस टाइम के मैं डिलीट फंक्शन को एक्चुअली बना दूँ ऊपर जाके। अच्छा मैं चाहूँ तो ये ईच प्रोडक्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी डायरेक्ट यहाँ से अंडर स्कोर आई डी भेजूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा प्रोडक्ट ही भेजूँ उसके अंदर, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अगर यहाँ से पूरा प्रोडक्ट भेजूँगा तो अंदर जाके मुझे डॉट आई डी निकालनी पड़ेगी उसमें से। अच्छा ये ऐड प्रोडक्ट था मेरे पास, इसी तरह मैंने क्या बना देना है, एक डिलीट प्रोडक्ट बना देना है, सही है। डिलीट प्रोडक्ट के अंदर मुझे पता है कि यही एग्जियोस का मुझे फंक्शन चाहिए पूरा, ठीक हो गया, यही एग्जियोस का फंक्शन चाहिए। अच्छा आपको पता है ना एग्जियोस को हम एसिंक करके भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, हमने ये पहले देखा है एसिंक वाला तरीका। तो डिलीट प्रोडक्ट करते हुए मैं इसको एसिंक्रोनस बना लेता हूँ, जिससे आप देखेंगे कि क्या होगा, फंक्शन के नाम के साथ एसिंक और यहाँ पर अवेट, ठीक है, और फिर रिस्पॉन्स मुझे ऐसे रिस्पॉन्स करके मिलता है, ठीक है, ऐसे करके मुझे मिलता है, फिर ये देन हट जाएगा, ठीक है, और ये सीधा हो जाएगा, और इसकी जगह मुझे ट्राई कैच लगाना पड़ता है फिर, ठीक है। लेकिन ट्राई कैच मैं उसी सूरत में लगाऊंगा जब मैं एरर को कैच करना चाहता हूँ। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप हमेशा कभी भी कोई ऐसा कोड लिखें तो एरर को कैच ज़रूर करें आप, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं नहीं भी लगाता हूँ ट्राई कैच, तो जब तक कोई एरर नहीं आ जाता मेरा कोड बिल्कुल सही चलेगा, सही है। तो फिलहाल मैं ट्राई कैच नहीं लगा रहा हूँ ताकि ये भी एक एग्जांपल सेट हो जाए। वेल आपने जब भी कोड लिखना है प्रोडक्शन का, आपने ट्राई कैच ज़रूर लगाना है, ठीक है जी। अच्छा तो मैंने कहा कि भाई एग्जियोस डॉट डिलीट और सेम यूआरएल है स्लैश प्रोडक्ट, और डिलीट करते हुए मुझे जस्ट क्या देना है, आईडी देनी है उसकी, राइट। देख लेते हैं सर्वर पे मैंने कैसे बनाया हुआ है डिलीट को। अच्छा स्लैश करके ही मुझे आईडी पास करनी है, ठीक है, यूआरएल का पार्ट बना के मुझे ये आईडी दे देनी है इधर। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा कि भाई आईडी जो भी मुझे यहाँ से मिली थी ना आईडी इस फंक्शन के कॉल पे नीचे, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। हैंडल सक्सेस हो गया और रिस्पॉन्स इज सक्सेस, जो भी डेटा आएगा वो कंसोल हो जाएगा, उसके अलावा मैसेज जो आएगा सर्वर से वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें एसिंक का वेट के इस्तेमाल से ना मेरा कोड कितना क्लीन हो गया है। एसिंक का वेट नया वाला है और यही अच्छा है, यही बेहतर है कि आप नया कोड जो लिख रहे हैं उसमें नई चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा एसिंक का वेट की एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपने टॉप के ऊपर एक ट्राई कैच लगाया हुआ ना, तो उसके अंदर आप 10 12 15 एसिंक भी लगा दें, वो किसी का भी एरर बटेगा तो वो एक ही में ही गिरेगा आगे, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं है कि जिसमें, मिसाल के तौर पर इसको भी अगर मैं एसिंक बनाऊँगा ना, तो आप देखेंगे कि एकदम मेरा कोड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अवेट मैंने कर दिया, अब रिस्पॉन्स कहाँ आ जाएगा मेरा, कॉन्स्ट ऐसे रिस्पॉन्स करके आ जाएगा, सही है। अब मुझे ये देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देन वाला काम मेरा हो गया। अच्छा ये जो कोड मेरा ऐसे आगे चला जाता है ना राइट हैंड की तरफ इंडेंट हो जाता है, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कॉल बैक हेल्प। तो ये कॉल बैक हेल्प से मुझे ये बचा लेता है। जो एसिंक का वेट है ना, असल में इसको बनाया सिंथेटिक शुगर है, आपको पता है एसिंक का वेट होता वही अंदर देन वाला काम है, लेकिन सिंथेटिक शुगर है कि भाई देखने में और पढ़ने में अच्छा लगे। तो वो असल में जो मसला हल कर रहा है ना एसिंक का वेट, वो एक कॉल बैक हेल्प से बचा लेता है आपको, आपका कोड ना ऐसे इंडेंट हो के आगे जो जा रहा है ना इससे बच जाते हैं आप। अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, डॉट कैच का हल करना है। तो डॉट कैच के लिए मुझे यहाँ पर ट्राई कैच लगाना होगा, सही है। तो ये मैं कैच वाला ब्रैकेट पूरा कट करके नीचे ले आऊँगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे ट्राई कैच से वो एक लेवल आगे गया तो है, ठीक है ना, एक लेवल आगे गया तो है, बट इसकी खूबसूरती ये है कि वो एक लेवल ही आगे जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। सही है, तो मैंने कह दिया कि भाई एरर, और ये मेरी कैच की ब्रैकेट हो गई, ठीक है। तो अब नोट करें आप, ये मेरे ट्राई की ब्रैकेट में सारा का सारा कोड है और कैच की ब्रैकेट में। अब इमेजिन करें मैं जो आपको बता रहा था ना कि दो तीन भी अगर एसिंक रिक्वेस्ट होगी ना, जैसे ये एक मैंने रिक्वेस्ट की, अगर मेरे ऐसे एक और रिक्वेस्ट होती मेरी रिस्पॉन्स वन,
ठीक है, एक अवेट दो अवेट, दो रिक्वेस्ट की है मैंने साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस तो नहीं खैर लेकिन यक के बाद देख रहे हैं, तो अगर इन दोनों में से किसी का भी एरर आएगा ना तो वो कहाँ पहुँचेगा, वो कैश में पहुँचेगा। ऑन अदर हैंड डॉट देन डॉट कैश में मुझे हर रिक्वेस्ट के साथ डॉट कैश लगाना होता है, सही है। अच्छा इसमें भी आप हर रिक्वेस्ट के साथ ही अलग अलग ट्राई कैच लगाएंगे, मिसाल के तौर पे इन दोनों यूआरएल में किस में एरर आया, अगर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो जाहिर है दोनों का ट्राई कैच अलग होगा, है ना। मिसाल के तौर पे पहले में एरर आया तो कुछ और एरर मैसेज दिखाना है, दूसरे में आया तो कुछ और दिखाना है, तब तो अलग अलग ट्राई कैच का ब्लॉक होगा फिर। लेकिन अगर मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कौन सा कोड ब्रेक हुआ है, कोई एक भी फेल हो तो मैं दिखाता हूँ कि यार बस एरर, तो फिर मेरे सिंगल भी इनफ है, समझ रहे हो। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिल जाती है कि मैं चाहूँ तो एक ही ट्राई कैश को दो तीन अलग अलग रिक्वेस्ट के साथ एसोसिएट कर पाऊँ। वेल तो ये मेरा जो वो क्या हो गया, कॉल बैक हेल से बच गया मैं। अच्छा तो ये डिलीट प्रोडक्ट का मेरा काम जो है वो क्या हो गया, हो गया। और रिजल्ट डॉट करंट में मैंने ये मैसेज दिखा दिया, और गेट ऑल प्रोडक्ट को मैंने दोबारा से कॉल कर लिया, तो उससे क्या होगा, गेट ऑल प्रोडक्ट जो है वो चल पड़ेगा। अब क्या हुआ इसको, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 57। अच्छा इसको मैंने RESP कर दिया तो इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको रिस्पॉन्स पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, या तो नीचे मैं चेंज कर देता या तो ऊपर, एक ही बात है, ठीक है जी। तो मैंने एक को डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। अच्छा डिलीट से पहले आमतौर पर कन्फर्मेशन लेनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट डिलीट नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इफ़ लगा देता हूँ एक अदद, ठीक है, इफ़ मैं कन्फर्मेशन ले लेता हूँ। मैं आपको पता है जावास्क्रिप्ट में कन्फर्म के नाम से एक चीज़ होती है जिससे मैं कन्फर्मेशन ले सकता हूँ, ठीक है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, अगर बंदा बोलता है ट्रू तो आगे बढ़ जाए, ठीक है, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न हो जाए। तो मैं इसको कैसे करूँगा, अगर फिर मुझे ये पूरा का पूरा काम इस इफ की ब्रैकेट के अंदर ले जाना होगा, राइट, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं लगाऊँगा नॉट और यहाँ लगा दूँगा रिटर्न, ठीक है, कि अगर यहाँ से फॉल्स आता है यानी बंदे ने कैंसिल किया तो फॉल्स आएगा, तो फॉल्स पर नॉट लगेगा तो ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू के केस में इसको रिटर्न करवा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा इसमें मुझे सिंगल लाइन का कोड है तो इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है मुझे, सही है, मैंने इस इफ के आगे यहाँ पर रिटर्न लिख दिया। मैंने कहा कि भाई आर यू श्योर टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, अगर बंदा कैंसिल का बटन दबाता है तो यहीं से रिटर्न हो जाए, और अगर कैंसिल नहीं दबाता, यस दबाता है या ओके दबाता है तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। देख लेते हैं इस चीज़ को हम रख रहे हैं। अब क्या हो गया, कन्फर्म 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 कन्फर्म, सही तो लिखा मैंने, विंडो डॉट कन्फर्म लिखना होगा क्या, अच्छा ये चीज़ एक और अभी आ गई है सामने तो वो भी सुन लें, कि जो नई वाली जावास्क्रिप्ट है ना, जो जिसको हम मॉड्यूल JS कह रहे हैं, जो हम सर्वर भी हमने उसी में लिखा है, उसके अंदर ना कोई भी वेरिएबल बनाते हैं ना आप, क्योंकि आपको अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये मॉड्यूल JS ब्राउज़र में भी आ चुका है, तो ब्राउज़र में जब आप मॉड्यूल JS का कोड लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई भी वेरिएबल अगर ग्लोबल बनाना है, ग्लोबल का मतलब ये है, वैसे तो फ्रंट एंड पे हमने देखा है लेट करके कोई वेरिएबल बना दिया तो ग्लोबल हो जाता है ना, सब जगह मिलने लगता है, ऑन क्लिक पे ऑन सबमिट पे लगाते रहो मिलता है वो, बट अब ऐसा नहीं होगा। नई वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसको ग्लोबल बनाना है तो विंडो डॉट करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ माई नम, तो मैं कहूँगा विंडो डॉट माई नम, तो वो ग्लोबल बनेगा, अगर जस्ट माई नम बनाता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे ही मिलेगा, उसके बाहर वो नहीं मिलेगा। तो ये प्राइवेसी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्राइवेसी के नाम पे वो बेचते थे ना, तो उसी प्राइवेसी को इसमें भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अच्छा जैसा कि आपको पता है ये जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कन्फर्म जो है एक बिल्ट इन ग्लोबल फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट में पहले से बना हुआ होता है, हमने नहीं बनाना होता, पहले से बना हुआ होता है। तो इस तरह के ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स या ग्लोबल फंक्शंस, इसको भी मुझे समटाइम नहीं, नई वाली में तो विंडो डॉट करके ही होगा, उसके बगैर होगा नहीं, जो मॉड्यूल JS वाला जो है, ठीक है, मॉड्यूल JS में आप जब लगाते हैं ना स्क्रिप्ट, अभी तो खैर वो हम आगे निकल गए, अभी तो हम रिएक्ट में आ गए, लेकिन जो प्लेन HTML के अंदर अगर आप स्क्रिप्ट लगा रहे हैं तो उसमें साथ में आप मेंशन करते हैं मॉड्यूल है ये, तो उसमें फिर लेट वगैरह और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चलना शुरू हो जाता है उसके अंदर, सही है, ब्राउज़र में ये चीज़ हो चुकी है। अच्छा जी, तो मैंने डिलीट पर क्या लगा दिया, कन्फर्मेशन लगा दिए। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये पूछेगा मुझसे, अगर मैं कैंसिल कर दूँगा तो कुछ नहीं होगा, रिफ्रेश किया प्रोडक्ट अपनी जगह है, सही है, अगर मैं यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी, प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया,
अच्छा, मेरा ख्याल है एडिट का काम तो इतना तो समझ चुके हैं आप लोग, एडिट का काम तो आप कर ही लेंगे, कर लेंगे या नहीं? बस तो मेरा ख्याल है इसको अब हम यहीं तक रखते हैं, और अब हम इसके एक दूसरे पेज पर एक चैट एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? और चैट एप्लीकेशन कंप्लीट करके फिर हम डायलॉग फ्लो पे फ़ौरन मूव करेंगे। लॉगिन साइन अप करवाएंगे यार जो जितना सर्वर आपने पढ़ लिया है वो लॉगिन साइनअप भी आप खुद ही कर लेंगे। लॉगिन साइनअप में जस्ट यही होता है ना कि डेटाबेस में ईमेल और पासवर्ड होता है, उसको आपने मैच करवाना होता है जस्ट, ठीक है? तो वो आप खुद ही कर लेंगे। वेल, अब लॉगिन साइनअप इतनी सी बात नहीं है, लेकिन ये भी समझ लें, ये मैच तो आपने करवा लिया, लेकिन मैच करवाने के बाद आगे क्या करेंगे आप? आगे आपको पूरा सेशन मेंटेन करना होता है। अच्छा, उसमें तीन चार अप्रोचेज हैं अलग अलग। देखो बेसिकली तो उसमें ये होता है, एक टोकन होता है, वो जितनी भी अप्रोच है ना उसमें एक टोकन होता है, जो आप ईमेल पासवर्ड वंस मैच हो गया ना तो आप एक टोकन जनरेट करते हैं, और वो टोकन आप फ्रंट एंड को दे देते हैं, और वो हर दफ़ा जब भी अगली रिक्वेस्ट में ना वो टोकन साथ लाता है, ठीक है? ये तो सब में कॉमन है, जितना ओऑथ 2.0 ऑथराइजेशन बैरियर एक्स वाई जेड जितना भी है, JWT वाला जो है उसमें भी यही होता है, ये चीज़ सब में कॉमन है। और वो टोकन जनरेट कैसे होता है, दैट इज़ द सिग्नेचर, ठीक है? क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर कहते हैं उसको, या आप कह लो डिजिटल सिग्नेचर कह लो नए ज़माने में। तो वो यही होता है एक्चुअली उसके अंदर, जितने भी अप्रोचेज हैं अलग अलग, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, जो चल वो सब बैकग्राउंड पे यही चल रहा है कि आप यहाँ से भेजते हो डेटा बॉडी में रख के पोस्ट की, कि भाई ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, आप चेक करो है या नहीं है, डेटाबेस में वो चेक करता है, मैच करता है, फिर वहाँ से टोकन बना के रिटर्न भेजता है, और वो ब्राउज़र में आके सेव हो जाता है। ब्राउज़र में कहाँ सेव होता है ये एक अलग डिबेट है कि कहाँ रखना चाहिए उसको, HTTPS ओनली कुकीज़ में उसको रखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो डेटाबेस के अंदर आप जब पासवर्ड को स्टोर करवाते हैं तो उसको भी आप प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करवाते, उसको आप क्या करते हैं, हैश बना लेते हैं उसका। अच्छा, उसके लिए सबसे फेमस आजकल जो चल रहा है वो बिक्रिप्ट, एक हैशिंग टेक्निक है, उसमें हम करवाते हैं, ठीक है? उसके अलावा MD5 में भी लोग करवा लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग, SHA-256 में भी करवा लेते हैं, वो छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती हैं, जस्ट उसको आप देते हैं टेक्स्ट, वो आपको हैश बना के रिटर्न कर देता है, ठीक है? लाइब्रेरीज आपको पता है कैसे काम करती हैं, इनपुट देते हैं टेक्स्ट, आपको हैश बना देता है वो, तो अब वो हैश बना के आप रखते हैं। अब उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हैश क्यों बनाते हैं, वो एक अब लंबी दास्तान है वो। उसके बाद जब आप ओरिजिनल पासवर्ड आता है तो उस हैश को आप, हैश इज़ अ वन वे इंक्रिप्शन टेक्निक, वंस वो हैश बन गया उसको आप ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट आप उसको मैच कर सकते हैं ओरिजिनल वाले के साथ, ठीक है? तो हैश का ये बेनिफिट होता है, तो उसको आप मैच कराएंगे, जाहिर है उस तरीके से मैच कराने के बाद एक टोकन बनाएंगे। अब वो टोकन कैसे बनेगा, उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी है, अब वो टोकन बनाने और इधर ब्राउज़र में सेव करा के वो हर दफ़ा अगली रिक्वेस्ट में जो लेके जाएगा ना, इसमें अलग अलग अप्रोचेज़ हैं। एक जो सबसे बेहतर है आजकल वो है OAuth 2.0, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड है OAuth 2.0, वो हमें बताता है कि यार ऐसे होगा ये काम, पहली दफ़ा जब जाएगा तो वहाँ से टोकन लाएगा और हर थोड़ी देर पे उसको वो रिफ़्रेश करेगा उस टोकन को, ताकि वो लॉकआउट ना हो, हर थोड़ी देर उसको रिफ्रेशर उसको कहते हैं। तो और रिफ्रेश जब करेगा तो पुराना एक्सपायर करेगा, नया टोकन बनाएगा वो, ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, एक होता है बेयरर ऑथराइजेशन। अब बेयरर में क्या होता है, वो एक टोकन मिल जाता है एक सर्टेन टाइम के लिए, वो वैलिड होता है, अब वो आप हेडर में रख के भेजते हैं, खुद ही हेडर में रख के, वो टोकन एक्सपायर हो गया तो लॉगआउट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, या अगर आपको मैनुअली लॉगआउट कराना है तो आप क्या करते हैं, उस टोकन को आप एक्सपायर कर देते हैं। अब उस टोकन को कैसे एक्सपायर करना है ये पूरा है कि भाई कैसे एक्सपायर होगा। अच्छा, एक है JWT की टेक्निक। JWT में क्या होता है कि आप कुछ रख के नहीं भेजते यहाँ से, वो टोकन वहाँ से जनरेट होता है, टोकन इधर आता है और आके HTTPS ओनली कुकीज़ में खुद ही स्टोर हो जाता है, और हर जाने वाली रिक्वेस्ट में ना खुद लग के जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है? तो JWT जो है वो अगर आप पहली दफ़ा ये सीख रहे हैं लॉग इन साइनअप, तो JWT इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट विथ। हाँ, अच्छा, ये जो मैंने पूरी अभी दास्तान सुनाई है ना कि लॉग इन साइनअप में ये सारा कुछ हो रहा होता है, ये मैंने बैच 8 जो वेब डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ये मैंने 3 अलग अलग क्लासों में ये बात पढ़ाई है, सही है? अब इमेजिन करो कितने लंबा कंटेंट है ये तो। और जाहिर है अब अगर मैं डिटेल से बताऊंगा जब भी फ़ायदा है, इतना मैंने थ्योरी तो मैंने वैसे ही बता दी है, लेकिन ये करने पे जब आएंगे ना तो हम ये 2 घंटे की 3 क्लासेस में मैंने ये बात कवर की है। एक में हमने ये कवर किया कि इनक्रिप्शन होती क्या है इन द फर्स्ट प्लेस,
इंक्रिप्शन का ओरिजिन क्या था, वो जब तक वो समझ नहीं आएगा इंक्रिप्शन ही नहीं समझ आएगी ना। फिर हमने इंक्रिप्शन की डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी, फिर हमने हैशिंग देखी थी के, तो समझ लो इंक्रिप्शन कंप्यूटर के आने से पहले भी इंक्रिप्शन मौजूद थी, वो कैसे काम करती थी। जब वो समझ आएगा ना तो फिर समझ आएगा कि डिजिटल टोकन्स क्या चीज़ है, डिजिटल इंक्रिप्शन या डिजिटल सिग्नेचर जो वो क्या भला है, ठीक है। फिर इसमें मैथ इन्वॉल्व है, वो टोकन बनते कैसे हैं उसकी एक मैथ है कि पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो टोकन पब्लिक प्राइवेट की का चक्कर है। तो वो मैंने बैच 8 में पढ़ाया, अगर आपको चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आई वुड से कि लॉग इन साइनअप इज़ नॉट, क्योंकि आपका एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो चैटबॉट है। हम रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम रिएक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चैटबॉट, क्योंकि अभी जितनी भी वेब एप्लीकेशन है वो रिएक्ट पे बनती है। अब रिएक्ट की बनी हुई ऐप है उस पर वो कह रहा है कि एक पेज पे मुझे चैटबॉट लगाना है, तो आपको पता तो हो कि कंपोनेंट होता क्या है, पेज क्या होते हैं। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं रिएक्ट की कंपोनेंट की, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ होता और आपको कोई रिएक्ट की ऐप का कोड पकड़ा देता, अभी भी खैर आपको कोई रिएक्ट का कोड पकड़ा देगा ना तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। जब उसमें 450 कंपोनेंट देखेंगे ना आपके, कौन सा कंपोनेंट कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से घुस रहा है, तो वैसे ही आपके हवा निकल जाएगी। लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होगा ना कि कंपोनेंट दिखता कैसा है, तो फिगर आउट कर लेंगे आप इंशाल्लाह। तो या मिसाल के तौर पर रिएक्ट के एक कंपोनेंट में आपको उसने कंपोनेंट भी आइडेंटिफाई करके बता दिया कि भाई ये कंपोनेंट है, इसमें काम होगा सारा। अब उस कंपोनेंट में ये यूज़ इफेक्ट क्या चीज़ है, आप उसको गेट एलिमेंट बाई आईडी करके कोड लिखेंगे ना पूरा, यूज़ इफेक्ट वगैरह आपको पता नहीं होगा अगर, तो वो सामने वाला ना क्लाइंट देखते ही समझ जाएगा कि यार कुछ नहीं आता इसको। तो अगर वो उसने कंपोनेंट आइडेंटिफाई करके भी बता दिया ना, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि देखो इसमें इंटायरली चीज़ें डिफरेंट हैं, फॉर्म के अंदर से डेटा उठाने के 3 अलग अलग तरीके हैं, कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट है। अगर कोई चीज़ वेरिएबल में उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तरीका अलग है, रियल टाइम में चीज़ें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सकती हैं इसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पे रहते हुए भी पुराना तरीका यूज़ कर रहे हैं तो एक तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी, आपको जो काम एक घंटे में हो रहा है वो शायद 5 घंटे लगे आपको उसमें। दूसरा ये कि सामने वाला कोड जब इंस्पेक्ट करेगा ना, जाहिर कोड चेक होता है, आप जो भी कोड करते हैं एज अ फ्रीलांसर या एज अ कंपनी के एम्प्लॉय, तो आपका सुपरवाइज़र या आपका क्लाइंट उस कोड को चेक करता है, देखता है वो, तो वो एक नज़र में देखेगा ना जब, तो उसको कहीं अगर यूज़ स्टेट नज़र नहीं आया तो वो कहेगा कि यार ये वेरिएबल बना कैसे इसके अंदर। भाई स्टेट तो यहाँ होना चाहिए ना, ये 4 स्टेट वेरिएबल जो मैंने बनाए हुए हैं, हालांकि कुछ भी कोड नहीं लिखा मैंने, ये 4 स्टेट वेरिएबल बने हुए हैं, तो ये तो उसकी आंखों में फिक्स है ना, ये तो उसको चाहिए, देखना है उसको ये बना हुआ होगा। फिर आगे वो कोड इतना नहीं चेक करते, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डिटेल में कोड चेक करते हैं, इतना ही बस ऐसे स्क्रॉल मारना है उसने सीधा। लेकिन उस स्क्रॉल में ही जो है ना वो बोलेगा अरे ये क्या, फिर वो आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है फिर वो। अच्छा तो अब हम क्या करने लगे, अब ये डिलीट विलीट आपको पता है वो एक API है, जिस तरह एडिट कॉल हुआ है उसी तरह सेम, जिस तरह डिलीट कॉल हुआ उसी तरह एडिट कॉल होगा। और अब हम मूव करते हैं और हम जाते हैं कॉन्टैक्ट के पेज पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट के पेज पे ही आमतौर पर चैटबॉट लगा हुआ होता है, तो हम कॉन्टैक्ट के पेज को ना पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, किस पे भला, एक चैट स्क्रीन पे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको, सही है। अच्छा कॉन्टैक्ट के अंदर CSS की फाइल नहीं बनी हुई है, तो मैं इसमें CSS की फाइल भी बना लेता हूँ। एक काम और भी कर सकते हैं, हमने अभी तक रिएक्ट के अंदर CSS का कोई फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो भी हम हाथ के हाथ पढ़ लेते हैं ये बनाते हुए, क्योंकि पहले हम इसकी UI बना लेते हैं। तो UI बनाते हुए हम CSS का एक फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मटेरियल UI।